सिवान में भाजपा के नव निर्वाचित जिलाध्यक्ष के तौर पर संजय पांडे को मनोनीत किया गया है, जिसके बाद से भाजपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बताते चलें कि जैसे ही यह सूचना मिली कि संजय पांडे सिवान के भाजपा जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं प्रदेश के शीर्ष नेताओं के द्वारा, तो कई लोगों ने उन्हें बधाइयां दिया। सिवान के सर्किट हाउस में कई लोग पहुंचे, जहां पर संजय पांडे तमाम भाजपा के नेताओं के साथ, निवर्तमान जो जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ और जो मंत्री हैं प्रभारी मंत्री उनके साथ मौजूद थे। सभी लोगों ने उन्हें माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के सर्किट हाउस की, जहां पर तमाम बीजेपी के नेताओं ने संजय पांडे को फूलों का माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। उसके बाद प्रधान संपादक कैलाश कश्यप ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की और क्या कुछ लोगों ने कहा ये सुनते हैं। अब से थोड़ी देर पहले आज जैसे ही ये खबर मिली कि सिवान के वरिष्ठ भाजपा नेता संजय पांडे को एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ने उन्हें सिवान का जिलाध्यक्ष बनाया है और जैसे ये खबर सिवान पहुंची, पूरे सिवान के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। और आप देख सकते हैं कि सिवान आईबी में पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज सिंह के साथ, वर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज सिंह के साथ नए जिलाध्यक्ष के रूप में संजय पांडे बैठे हुए हैं। उनके बगल में जीसू सिंह हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रंजन राजू हैं, यहाँ के भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र गुप्ता जी हैं और भी कई साथी मौजूद हैं। लेकिन जिस जिम्मेवारी को संजय पांडे को ये बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि बड़ी जिम्मेवारी इसलिए बन जाती है कि आने वाले अगले साल ये चुनावी चुनाव होने हैं बिहार के, और उस परिस्थिति में ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। हम करेंगे सबसे पहले वर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह जी से कि सर, संजय पांडे जी को आपकी जगह पे निर्वाचित किया गया है, मनोनीत किया गया है, क्या एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधे पे दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व और जिले के जितने हमारे नेता हैं सबके सहमति से ये मनोनयन हुआ है, और मैं आपके माध्यम से सबसे पहले नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान संजय पांडे जी को बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामना है मेरा, और हम सभी लोग मिल करके इस इनके कार्यकाल को अच्छा से ऐतिहासिक कार्यकाल बनाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। ये एक ऐसे समय में संजय पांडे जी को लाया गया है, हालांकि वो सबके साथ चलने वाले नेता, आज तक का यही रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड इनका रहा है कि सबको साथ लेके चलने वाले नेता हैं। कई जगह कई तरह की बातें आई, लेकिन उसके बाद भी सारे झंझवातों से निकालते हुए संजय पांडे सबको एक साथ लेके चलने वाले, क्या ये माना जाए कि आज उसी का उन्हें प्रसाद कहिए या फल कहिए, आज उसका? मेरी बात आपने कह दी, यही इनकी खूबी है, यही इनकी पहचान है कि हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के तौर पर काम किए हैं। चाहे सिवान के लिए भाजपा के लिए बुरा दिन भी सिवान में रहा हो, या अच्छे दिन में पंडित जनार्दन तिवारी जी रहे हों, या व्यासदेव प्रसाद जी रहे हों, बुरे दिन से लेकर आज तक के अच्छे दिन में भी श्री संजय पांडे जी एक भाजपा के सिपाही के रूप में पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना समय तन मन धन से इन्होंने मदद किया है, पार्टी को मदद किया है। इसलिए आज इसी का परिणाम है कि सर्वसम्मति से शीर्ष नेतृत्व ने इनके नाम पर मोहर लगाया। चलिए, आपने देखा कि अभी वर्तमान अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह जी से हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि संजय पांडे का जो व्यक्तित्व रहा है, जो उनके विचार रहे हैं, शायद उसी का परिणाम है कि आज शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, उन्होंने संजय पांडे में अपनी विश्वास व्यक्त किया है और उन्हें जिले की बागडोर सौंपी है। हम संजय पांडे जी से बात करेंगे कि सर, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, चूँकि अगले साल ये चुनाव भी होने वाले हैं बिहार विधानसभा के, क्या कहेंगे इस मौके पर? पहले तो आपके मार्फत थे, मैं अपने जिला से जितने माननीय विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, पार्टी के तय तयता हैं, साथ में हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष जी हैं,
थप्पड़ों में बधाई देता हूँ कि इन थप्पड़ों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, पहले के नेतृत्व ने हमारे ऊपर विश्वास किया और जिस विश्वास के साथ पहले नेतृत्व ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, 2020 के विधानसभा चुनाव में हम और हमारी जो टीम है पूरा जी जान लगाएगी और हम लोग एनडीए तथा एचआर बनाएंगे। सवाल है कि हम नेता नहीं हैं, मेरे अंदर एक ही कमी है कि हम भाषण नहीं दे पाते हैं, लेकिन दरी बिछाने से लेते दादिम बिछाने तक और चैताओं के मान सम्मान जो हमसे बड़िए हैं, हम नहीं चाहेंगे कि मेरे किसी भी बात बिताए थे उनके मान सम्मान पर ठेत पहुँचे। जहाँ तक थीवान के मीडिया बंधु हैं उनसे मेरा बहुत पुराना संबंध है, जब थीवान में बहुत अजीब टाइप का माहौल था उस समय थे, मेरे यहाँ थीवान के मीडिया के लोगों से बहुत अच्छा आत्मीयता संबंध है। मैं चाहूँगा कि मेरे तिथि भी क्रिया तालाब पर यदि कहीं थे आप तो किसी तरह की कोई अदय चीज मिलती है तो आप सभी लोग हमें सुझाव दें, हम आप लोग थे छोटे हैं लेकिन इतना विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले आगामी 2020 में 8 विधानसभा जीतेंगे और एनडीए तो मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के एक एक टाइटाओं की मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ेंगे। संजय जी, एक चीज़ देखा गया है कि आप पहले भी जब किसी कहीं गुटबाजी के शिकार नहीं हुए और ये हमेशा दिखाई दिया है कि आप जितने भाजपा के शीर्ष नेता हैं उन लोगों से आपके अच्छे संबंध, चाहे वो सुशील मोदी जी हों या शहनवाज हों, सबके साथ आपका अच्छा व्यवहार, क्या ये माना जाए कि उसका भी आपके जो अभी जिलाध्यक्ष बनाया गया है उनका भी इसमें सहयोग है? देखिए, सभी का क्षय हो जाए, जिला थे लेते पैदेट और राष्ट्रीय नेतृत्व का क्षय हो जाए, ये बीजेपी है, बीजेपी एक परिवार है, परिवार के सभी लोगों ने हमारे लिए हम तो मदद किया है, एक व्यक्ति विशेष नहीं पूरे लोगों ने मदद किया है और पूरे लोगों ने विश्वास किया है, बीजेपी बिहार पैदेट ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, जिला के हमारे नेताओं ने विश्वास किया है। मैं बस इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि मैंने न किसी के साथ पूर्व में किसी तरह का कोई मन में भेदभाव या तुच्छ रखा हूँ, या सीमांत राजनीति में भी हमारे विरोधी दल के भी लोग हैं वो भी मेरे स्वभाव और नेतृत्व तो जानते हैं। मेरा एक छुट्टी टाइटर्म है भाजपा तो मजबूत करना और अलायंस में एनडीए तो मजबूत करना। मैं चौथी तनुदा कि आगामी 2020 में भारतीय जनता पार्टी तो 8 विधानसभा सीट हम दें। चलिए, आपने देखा कि अभी 9 निर्वाचित जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी से अभी बातचीत हो रही थी और उन्होंने एक सूत्री, जब उनसे पूछा गया कि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको दी गई है चूँकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो उन्होंने अभी से अपना लक्ष्य को लगभग तय कर दिया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो कभी किसी गुटबाजी के शिकार नहीं हुए हैं, वो सबके साथ सबका विकास को उनकी उनका विचार रहा है और उसी के परिणाम स्वरूप आज पार्टी नेतृत्व ने उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और इस जिम्मेवारी को निभाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल जब विधानसभा के बिहार में चुनाव होंगे तो सिवान जिला की 8 विधानसभा सीट वो एनडीए को दिलाने में अपना सब कुछ दाव पे लगाएंगे, सारे कार्यकर्ता उनके साथ होंगे। अब देखना है कि आने वाले समय में संजय पांडे, जो शीर्ष नेतृत्व ने इनके ऊपर भरोसा किया, वो इसमें कितना खरे उतरते हैं। संजय पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, एक मिनट आ जाए।